धन बचाओ देश बचाओ, धन बचाओ देश बचाओ। बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर है। आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। इनकी हड़ताल 16 और 17 दिसंबर दो दिवसीय हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया है। इनकी मुख्यतः एक तो निजीकरण के खिलाफ, और सरकार ने दो विधेयक जो पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जिनको टेबल इस सत्र में किया जाना है, इसके खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इन्हीं हड़ताली कर्मचारियों से बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं और इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ इन कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। पिछले बजट के अंदर विशेष तौर पर वित्त मंत्री महोदय ने ये बोला था कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर हम दो बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, निजीकरण करेंगे उनका। आप सभी को पता है कि निजीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है, देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच देना या प्राइवेट बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच देना प्राइवेटाइजेशन है या निजीकरण है। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पूंजीपतियों के हाथ देश की संपत्ति को बेचना, ताकि वो जो लाभ है इन बैंकों से वो सब खुद कमा सकें और देश की आम जनता को बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित कर दें। हम देश के नागरिक होने के नाते और बैंक कर्मचारी होने के नाते इन देश विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, और हमने जैसे ही ये वित्त मंत्री की स्टेटमेंट आई थी तभी से हमने आगाह कर दिया था भारत सरकार को कि देश के बैंकों का निजीकरण हम नहीं होने देंगे। हम देश के नागरिक भी हैं, हम देश की जनता को इन सुविधाओं से वंचित नहीं होने देंगे। जब सरकार नहीं मानी और इस सत्र के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए जब इन दो बिलों को लिस्ट कर दिया गया एजेंडा के अंदर, तो हमने कहा कि अभी सरकार को सड़कों पर आकर चेताना पड़ेगा, सड़कों पर देश की जनता को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और हमने ये दो दिन की राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है ताकि सरकार की आंखों और सरकार के कानों में जू रेंग सके और देश विरोधी नीतियों से हटकर बैंकों को निजीकरण ना करें। जो लोग समझदार हैं, जो लोग जानते हैं कि हाँ ये निजीकरण क्यों हुआ था, प्राइवेटाइजेशन क्यों होगा, वो लोग इसके खिलाफ हैं। और आम जनता के साथ हमारा अभी भारत यात्रा शुरू हुई थी 24 तारीख से और 30 को यहीं पर उसका समापन भी हुआ था, उसमें आम जनता हमारे साथ आई थी। हमारी जो रैली थी वो 24 अक्टूबर को दो जगह से, मुंबई से और कोलकाता से चली थी। उसमें फिर यहाँ पर आम जनता के लोग भी आए हैं, हम लोगों ने उनसे भी इंटरेक्शन किया है और सब लोग हमारे साथ हैं। हम इस जॉब में क्यों आए, सबसे बड़ी बात यह है, हम इस जॉब में आए सेवा करने के लिए। हमारा जो मोटिव रहता है, गरीब की सेवा भी है, अमीर की भी है। बैंकिंग इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की जो गरीब को भी करती है और प्रॉफिट भी कमा के देती है। आप अगर देखिए, हमसे काफ़ी बार क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, अगर आप एम्स जाके क्वेश्चन करने लगे कि आप कितना प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि फोर्टिस प्रॉफिट कमाने के लिए, एम्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, तो सरकारी बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो देश की सेवा के लिए है। एक एक गरीब तक पहुँचे, प्रधानमंत्री जनधन योजना हुई, आवास योजना हुई, हर एक का मकान हो, हमारा मोटिव ये होता है। हमारा मोटिव ये नहीं होता महल हो किसी के, महल के लिए तो प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं। प्राइवेट बैंक से हमारा कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, उनका सिर्फ एक मोटिव है, प्राइवेट होते ही क्या हो जाएगा हमारा भी मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हम काम करेंगे। आप जब जियो में, आपने जब वो लिया उसका सिम, उस समय वो फ्री में दिया गया था, बस आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाइए, आपको फ्री में सिम। आज उसका कितना रेट है, 700 के करीब उसका 84 डेज का टैरिफ है। क्या MTNL आपने बंद कर दिया, BSNL बंद कर दिया, तो सरकारी तो चीज़ें बंद हो गई, सरकारी तंत्र आपने बंद कर दिए, उसके बाद आप प्राइवेट को किस मोटिव से दे रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो अगर जो प्रॉफिट ही मोटिव है तो सॉरी, उसके लिए ये प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा रेट भी दे देते हैं। जब यस बैंक सेविंग बैंक पर 6% दे रहा था, सरकारी बैंक जो है 2.90 पर, क्योंकि हम तो RBI से गवर्न है, तो कहाँ 2.90 और कहाँ 6%। तो यस बैंक जब डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए कौन गया, SBI, LIC जो पब्लिक सेक्टर्स है। तो जब उनको बचाने के लिए, तो हम लोग आज तक, आप कोई भी ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए कि
भारतवर्ष में ये सरकारी बैंक डूब गया, कोई भी नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स कितने डूब गए, नेशनलाइजेशन से पहले 550 से ऊपर डूब चुके थे। तभी ये डिसीजन लिया था उस टाइम की गवर्नमेंट, उसके बाद बेसिक देश का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये चीज़ें देखा जाए, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस समय जो निजीकरण का वो ये लेकर आए हैं बिल, अगर ये पास हो जाता है तो ये दोबारा से नेशनलाइजेशन से पहले वाली स्थिति में सारे बैंक्स पहुंच जाएंगे कि आम आदमी की तो कोई पूछ ही नहीं है, उसके खाते नहीं खुलेंगे, उनका पैसा जो जमा आएगा वो कौन यूज़ कर रहे होंगे, वो पूंजीपति यूज़ कर रहे होंगे। सब चीज़ों को अगर प्राइवेट कर देंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? जो राष्ट्रीयकरण की नीति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनाई थी तो उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे? देश को कहां से कहां तक लेके गए वो? ये तो उल्टे उसको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, जहां इन्होंने उनको स्ट्रोंग करना चाहिए था उसके विपरीत करते जा रहे हैं। और जहां तक स्ट्राइक की बात है, एक या दो दिन की स्ट्राइक ये तो एक आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इस स्ट्राइक से भी नहीं चेती तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने और देश के हित के लिए आगे सोचना है और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। जिस तरह से किसानों ने हमें राह दिखाई है, हमने उनको सपोर्ट भी किया, आज किसान भी हमारे साथ हैं, आम पब्लिक भी हमारे साथ है, और इस लड़ाई को हम यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि संघर्ष क्या होता है।